कुछ दिनों से लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं टीवी के पॉपुलर एक्टर शरद मल्होत्रा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जल्द ही शरद मल्होत्रा टीवी क्वीन एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो नागिन 5 में नजर आने वाले हैं। फिलहाल देखा जाए तो शरद मल्होत्रा को लेकर कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। जहां एक ओर नागिन 5 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान, वहीं हिना खान के अपोजिट हैं पॉपुलर स्टार मोहित मल्होत्रा। हिना और मोहित इस सीरियल में अपनी लव स्टोरी के जरिए आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं। वहीं नाग नागिन का अवतार निभा रहे मोहित और हिना को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं इसी बीच चील के किरदार में नजर आ रहे हैं पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर। देखा जाए तो शो की स्टार कास्ट को लेकर धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि हिना खान का इस शो में पुनर्जन्म होगा और उस किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी आप सभी की चहेती सुरभि चांदना। वहीं सुरभि चांदना को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे मोहित सहगल और शरद मल्होत्रा। ऐसे में देखा जाए तो शो की पूरी स्टार कास्ट को लेकर ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं इस स्टार कास्ट की फीस के बारे में बात की जाए तो काफी मोटी रकम हासिल करते हैं ये तमाम स्टार्स। लेकिन आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं शरद मल्होत्रा की पर डे की फीस के बारे में। शरद मल्होत्रा टीवी टाउन इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स में से एक गिने जाते हैं और अब तक शरद मल्होत्रा ने टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई टीवी सीरियल्स में लीड एक्टर के तौर पर काम किया है और हमेशा ही अपने फैंस के दिलों पर राज करते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि शरद मल्होत्रा पर एपिसोड 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शरद मल्होत्रा भी हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं जो पर एपिसोड लाखों से भी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक शरद मल्होत्रा ने कभी तो नजर मिलाओ, बनू में तेरी दुल्हन, डॉली और उसका मैजिक बैग, भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप और कसम तेरे प्यार की तमाम सीरियल्स में काम किया है। लेकिन अब शरद मल्होत्रा आप सभी को नजर आने वाले हैं नागिन 5 में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शो में शरद मल्होत्रा का किरदार नेगेटिव होगा। वहीं खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया है कि धीरे धीरे शरद मल्होत्रा का ये नेगेटिव किरदार पॉजिटिव कैरेक्टर में बदलता हुआ नजर आएगा और शो की कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।